अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाओ तेरे रंग में। तुम्हारा सर तो रूपा हमने एक ही बार पटका था, अपना सर तो हमने दो दो बार पटका, क्या करें? हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल। प्लीज अंदर आइए ना ध्रुव जी। बाबा कम से कम इस हादसे के बाद हमारा ध्रुव बचवा धानी बिटिया का बात मानने तो लग गया। बेटा ये ये चोट कैसे लगी? प्लीज ऐसे मुंह फेर कर मत चाहिए ना ध्रुव जी, एक बार बात तो कर लीजिए मार बुआ जी से। कुछ ज्यादा ही हक जता रही है लड़की हमारे ध्रुव पर। आपके बचपन की तस्वीर, आपको शायद इसके पीछे की कहानी याद होगी। उस दिन जब हम उदास बैठे थे तो पापा ने हमें इसके पीछे की पूरी कहानी बताई थी। आपको साइकिल चलाने की इच्छा थी, पापा अपने काम में बिजी थे तो आपको समय नहीं दे पाए, लेकिन उस वक्त मां और बुआ जी ही आपके साथ थी। उन्होंने आपकी जिद पूरी की, आपको एक नई साइकिल लाकर दी, आपका साथ दिया जब तक आप साइकिल चलाना सीख नहीं गए, और एक दिन ऐसे ही सीखते सीखते आपने दोनों को जोर से टक्कर मार दी, इतनी जोर से कि बुआ जी की हाथ की हड्डी टूट गई। और ये देखिए सात टाके लगे हुए, और माँ जी का पैर ऐसे मुड़ गया था कि एक महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही। जी, आपसे गलती से हुए हादसे के वजह से मां और बुआ जी को कितनी तकलीफ हुई होगी, और ऐसे न जाने कितनी गलतियां की होगी आपने। उन्होंने हंसते हंसते सब कुछ माफ कर दिया होगा। आप जानते हैं मां अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं सह सकती है, एक उफ तक नहीं करती वो। और जब उन्होंने आपकी हजारों गलतियों को माफ किया होगा तो आप उनकी एक गलती माफ नहीं कर सकते। देखिए ध्रुव जी, अगर आज आप बात नहीं करेंगे तो आगे चलकर पछताएंगे, क्योंकि ऐसी बातें मन में दबाकर नहीं रखी जाती। हमें उलझे हुए रिश्तों को सुलझाना है ना, तो प्लीज बात कीजिए। ध्रुव ध्रुव बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमें माफ कर दो। बेटा ये जो धोखा हुआ ना हमारे साथ, उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। तुम्हारे साथ, हमारे साथ, हम सबके साथ जो कुछ भी हुआ उसे हम सह नहीं पाए, और हम बहुत ज्यादा गुस्से में थे। बेटा हम सच कह रहे हैं, हमारा यकीन करो, हमने हमेशा सृष्टि को ही हमारे घर की बहू के रूप में देखा है, और उसकी जगह इस धानी ने छीन, उसकी जगह ये धानी आ गई तो हमें बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था।
जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ बेटा, क्योंकि उस दिन वहाँ पे क्या हुआ था उस बात का हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। और एक अंदाजे के आधार पर हम इस लड़की को सृष्टि की जगह अपनी बहू कैसे स्वीकार ले। बस यही वजह थी जिससे हम दानी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, अपने दिल में जगह नहीं दे पा रहे थे। बेटा हम इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो हम तो ये सोच सोच के परेशान है कि तुम इसे कैसे बर्दाश्त कर पा रहे हो, 24 घंटे इसे अपनी नजर के सामने कैसे झेल पा रहे हो। बेटा ये जो कुछ भी हमसे गलती हुई है, हमारी इस गलती के लिए हमें माफ कर दो। बेटा हम तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे, इसलिए हमें माफ कर दो। हम खुद को जिंदगी में बहुत खुश नसीब समझते थे, क्योंकि हमारी एक नहीं दो दो मां, भगवान का दर्जा दिया हमने आपको, ये सोच करके कि आप कभी कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन आज यहां चोट लगी है। इस घर में जो कुछ भी हुआ वो एक अपराध था, और हम आपको माफी देने के हकदार भी नहीं है। जिसके साथ अपराध हुआ है असली माफी देने के हकदार तो वो है। हम धानी को ना समझते थे कि बचपना है इसमें, लापरवाही है, बदतमीज है, खुदगर्ज है, लेकिन इसने जो आज किया है ना मां, हमारा नजरिया ही बदल दिया इसने। भगवान के घर देर है अंधेर में, जो गलत है उसे सजा मिलकर ही रहेगी। हम मानते हैं कि मां बुआजी ने जो कुछ भी किया गलत था, लेकिन उन्होंने गुस्से में आकर किया, हम तो पहले ही उन्हें माफ कर चुके हैं। नमस्कार। और इस लड़की की खास बात पता है क्या मां, कि आप दोनों ने माफी मांगी तक नहीं इससे, फिर भी इसने आपको माफ कर दिया। याद है आपने हमें क्या सिखाया था, कि जब कोई गलती करे ना तो उसे माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता, बल्कि माफी मांगना तो बड़प्पन की निशानी है। इसलिए हम चाहेंगे कि आज आप दोनों थानी से माफी मांगें। नहीं बेटा, सही कह रहा है तू, गलती तो हुई है हमसे, माफ कर दो हमें। जब तक तुम हमें माफ नहीं करोगे, हम माफी मांगते रहेंगे। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हमने इतनी बड़ी गलती की है तो हमारे कर्मों की सजा तो हमें भुगतनी ही होगी। हमारे बेटे की नजरों से हम गिर गए, और हमारे बेटे की नजरों में उठने के लिए माफी तो क्या, हम तुम्हारे पैर पड़ने को भी तैयार हैं। हमें माफ कर दो दानी, हाथ जोड़ते हैं। बेटा हम तुम्हारे पैर जोड़कर माफी मांगते। दानी हमें माफ कर दे बेटा, पैर छोड़िए ना हमारा, प्लीज 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 उठिए। नहीं बेटा, जब तक तुम माफ नहीं करेंगे हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हमें माफ कर दे। धानी! अरे धानी, अरे धानी बेटा, अरे एक सेकंड।
बैठो तू। धानी हमें माफ कर दो धानी, ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? हम 5 बजे का अलार्म लगाते हैं। भोलेनाथ देखो फिर से हमसे गलती हो गई बेटा, माफ कर दे। अब देखो ना, हम तुम्हारे पैर पकड़कर माफी मांग रहे थे, तुम्हारा बैलेंस डगमगाया और तुम गिर गई। बस इस बात को यही खत्म करते हैं। माजी माफ किया हमने आपको। पक्का? देखा जीजी, देखा धानी कितनी अच्छी है, उसने हमें माफ कर दिया जीजी। और इसका मतलब ध्रुव ने भी हमें माफ कर दिया। अब एक बात और, आप सब लोग सुन लीजिए, धानी हमारी पत्नी है। हमारा दिल खुश कर दिया। देखा धानी बचुआ, आप ही ने कहा था, आपके पिताजी कहते थे ओकरे घर में देर है अंधेर नहीं है, यहीं पर आके मुहावरा सिद्ध होता है। हमने कहा था भोलेनाथ जी सब ठीक करेंगे। आओ हमारा बचुआ आओ। जय जय राम कृष्ण हरि। पूजा बिटिया। जी पापा जी। जय, यहाँ तो आइए। जी हमारा ध्रुव बचुआ और धानी बिटिया का आरती करवाइए। कर दिया
आपने हमारी पूरी बात होने नहीं दी पापा। हम यही कह रहे थे कि धानी हमारी पत्नी है, लेकिन हम इस रिश्ते को नहीं मानते। कहां हो जाता है आपको, एक पल में तोड़ा हो जाते, पल में भाषा हो जाते हो। अभी अभी कुछ कह रहे थे, अभी ध्रुव बचवान होश में तो हो। पापा, धानी हमारी पत्नी है अगले 28 दिनों के लिए, लेकिन ये रिश्ता हमारे लिए मायने नहीं रखता। अगले 28 दिन तक धानी हमारी पत्नी बनकर इस घर में रहेगी और आप सबकी बहू बनकर रहेगी इस घर में, और धानी के साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं करेगा, उस पर कोई भी जरा सी आज तक नहीं आएगी। धानी, हो सके तो हमें भी माफ कर देना, गलती हमसे भी हुई है। तुम पे भरोसा ना करके तुम्हें घर से बाहर निकाला हमने, माफ करना। सुना जीजी, क्या कहा ध्रुव ने, 28 दिन तक कोई कुछ नहीं करेगा, मतलब हमें 28 दिन तक ही कुछ नहीं करना है। ठीक है रूपा, 28 दिन की बात है ना, झेल लेंगे। अरे देखो ना, इस सब चक्कर में खामखा पूजा तुम पीस गई बेटा। हाँ चलो, तुम आराम करो, आओ। मन शांत हो जाएगा पापा, पी लीजिए ना। अरे हमारा मन तो तब शांत होगा बहुरानी, जब हमें इस बात का जवाब मिलेगा कि कौन इसका दिमाग को वरगला रहा है, कौन इसका ब्रेन वॉश कर रहा है। एक पल में दूसरा बात करता है, पत्नी भी है और हम रिश्ता भी नहीं मानता, ये तो हमारी बात समझ में नहीं आई। कमाल की पीढ़ी है आज, आजकल की पौध का समझ में नहीं आता। एक बात कहें आपसे पापा। कहो बचवा। आप ना ध्रुव जी से कुछ मत कहिए इन 28 दिनों तक। काहे नहीं कहें, वो गलती करेगा और हम चुपचाप देखता रहूंगा। नहीं पापा, हम तो सिर्फ यही कह रहे थे कि आप देखिए ना, अगर सिर्फ इन 2 दिनों में हमारे बारे में उनकी सोच बदल गई तो शायद 28 दिनों में चीजें और भी सुधर जाए। अब हमें लगता आपको उन्हें रोकना चाहिए, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। हम कितना खुश नसीब हूं, कोटि कोटि धन्यवाद भोलेनाथ जी, हमको ऐसा बहुरानी दिया। और ये मंदबुद्धि परिवार को कब समझ में आएगा, ये हम नहीं समझ पा रहा। ॐ भूर्भुवस्वातस्य पितुर्वरेण्यं भगवदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि के पापा! क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? मैंने कमरे में देख लिया, बाथरूम में देख लिया, सृष्टि कहीं भी नहीं है। सृष्टि नहीं है, कहाँ चली गई वो? चलो बाहर चल के देखते हैं। सृष्टि, 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 वहाँ देखना तू। सृष्टि बेटा, सृष्टि, 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 यहाँ भी नहीं। ऊपर, ऊपर छत पे। भाई साहब, हाँ भाई साहब, हमने सृष्टि बिटिया को लखनऊ की बस में जाते हुए देखा। हम बाजार में थे, जैसे उसे रोकने के लिए पहुंचे तब तक बस जा चुकी थी। वो लखनऊ क्यों गई?
वो जरूर ध्रुव जी से मिलने के लिए गई है वहां। अगर वो वहां पहुंच गए तो सबके सामने सच आ जाएगा। मुस्कान की हकदार है। हमारे हिस्से का जितना सुख है वो सब उसे दे दीजिए। सुरेंद्र भाई साहब, आप इतनी सुबह सवेरे सब कुशल मंगल रहे? काशी जी, यहां बहुत गड़बड़ हो गई है। सृष्टि बिटिया घर छोड़कर चली गई। उसने लखनऊ की बस पकड़ी है और हमें लगता है कि वो जरूर ध्रुव जी से मिलने के लिए वहां पर आएगी। आ रहे ध्रुव जी, आपकी सृष्टि आपके पास आ रही है।